वेलकम टू माय चैनल। और जो HNB गढ़वाल यूनिवर्सिटी में कल इंक्लूसिव का पेपर है उससे संबंधित कुछ और प्रश्न हैं, तो ये बहुत ही शॉर्ट वे में है ताकि आपको कल के लिए हेल्पफुल हो पाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले है 1994 में सलमान का स्पेन में जो स्पेशल नीड्स वाले बच्चे हैं उनके लिए आयोजन किया गया था, इसमें डाकर स्नेगल विश्व शिक्षा सम्मेलन 2000 में आयोजित किया गया। नेक्स्ट है 1987 में मेंटल हेल्थ एक्ट आया था, ये भी इम्पोर्टेंट है, पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है इसमें मेंटल हेल्थ यानी मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम 1987 में आया था। नेक्स्ट है रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया यानी इसको हम भारतीय पुनर्वास अधिनियम या एक्ट भी कहते हैं, ये 86 में लागू मतलब आ गया था, स्थापना हुई थी इसकी। 1992 में ये राज्यसभा से पास हुआ था और 1993 में अस्तित्व में आया था। नेक्स्ट है POA यानी इसकी फुल फॉर्म है प्रोग्राम ऑफ एक्शन, ये 1992 में लागू किया गया था। ये बहुत शॉर्ट नोट है यानी फुल फॉर्म्स वे में, और उनके सन यानी कब ये प्रोग्राम्स आए थे यानी इनके लॉन्च डेट कब किए, ये है बहुत शॉर्ट वे में है, काफ़ी हेल्पफुल होगी आप लोगों के लिए। नेक्स्ट है NT एक्ट यानी NTA नेशनल ट्रस्ट एक्ट यानी इसको हम भारतीय न्यास अधिनियम भी कहते हैं, जो 1999 में लागू किया गया था। नेक्स्ट है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये पर्सन विद डिसेबिलिटी यानी PWD, ये 1995 को आया था और इसके अंदर 6 डिसेबिलिटी को रखा गया है, जिसमें ब्लाइंडनेस, लो विज़न, हेयरिंग इम्पेयरमेंट, मेंटल रिटार्डेशन, मेंटल इलनेस, लोकोमोटर इम्पेयरमेंट एंड लिप्रोसी कर्ड, इसमें 6 डिसेबिलिटी को इंक्लूड किया गया है। ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, हमें एग्ज़ाम में पूछी जा सकती हैं सारी डिसेबिलिटीज़। नेक्स्ट है अब इसके अंदर जो PWD है पर्सन विद डिसेबिलिटी, इसके अंदर 14 चैप्टर, ये पिछले बार HNB गढ़वाल यूनिवर्सिटी में ये क्वेश्चन पूछा गया है कि PWD के अंदर कितने चैप्टर आते हैं, तो इसमें 14 चैप्टर आते हैं। नेक्स्ट है RPWD यानी ये है राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी, ये 2016 यानी 2016 में आया था और इसमें कितने चैप्टर हैं ये भी पिछले बार पूछा जा चुका है, तो इसमें 17 चैप्टर यानी अध्याय हैं और इसके अंदर 102 सेक्शन हैं और इसके अंदर 21 डिसेबिलिटीज़ को रखा गया है, यानी PWD में 6 डिसेबिलिटीज़ को रखा गया है, PWD में 6 डिसेबिलिटीज़ को रखा गया है और RPWD में 21 डिसेबिलिटीज़ को रखा गया है, और आपको ये 21 डिसेबिलिटी भी पता होनी चाहिए। नेक्स्ट है DEEP की फुल फॉर्म है डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम, ये भी आपको पता होना चाहिए, लॉन्च हुआ 1994 में। नेक्स्ट है IEDSS, ये इसकी फुल फॉर्म है इंटीग्रेटेड एजुकेशन ऑफ द डिसेबल एट सेकेंडरी स्टेज, ये 2009-10 को लागू किया गया था, ये IEDC की जगह रिप्लेस किया गया था यानी IEDC को रिप्लेस करके IEDSS योजना आई थी। ये IEDC जो ये है ये 1974 को लागू की गई था। नेक्स्ट है RTE 2009 को आया था और 2010 को संपूर्ण भारत में लागू किया था, 1 अप्रैल 2010 को। नेक्स्ट है सर्व शिक्षा अभियान जो 2000 से 2001 में आया था। नेक्स्ट है नेशनल पॉलिसी फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटी, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2006 को यह आया था, 1 जनवरी 2006 को। नेक्स्ट है IECYD 2005, इसकी फुल फॉर्म है इंक्लूसिव एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन एंड यूथ विद डिसेबिलिटीज़, ये 2005 को आई थी ये स्कीम।
नेक्स्ट है रमसा यानी राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, ये 2009 को आया था। नेक्स्ट रूसा राष्ट्रीय उच्चतर अभियान 2013 को ये योजना यानी ये स्कीम आई थी। नेक्स्ट डाइट डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट फॉर एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है क्वेश्चन ये पॉइंट्स। NIVH यानी नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर विजुअल हैंडीकैप यानी दृष्टिबाधित राष्ट्रीय संस्था, ये स्थित है देहरादून में और ये स्थापना इसकी यानी लॉन्च डेट है 1939 को। नेक्स्ट है NIMH यानी नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मेंटल हैंडीकैप, ये स्थित है सिकंदराबाद और ये इसकी लॉन्च डेट है यानी आया कब था 1984। नेक्स्ट है NIHH यानी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेयरिंग हैंडीकैप्ड, ये 1978 में इसकी स्थापना की गई थी और 1981 में इसने अपने कार्य प्रारंभ किया गया था और ये स्थित है मुंबई में। नेक्स्ट है NIOH यानी 1979 में ये लागू किया गया था और ये स्थित है कोलकाता में। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ऑर्थोपेडिक हैंडीकैप्ड यानी जिनको हड्डियों से यानी अस्थियों से रिलेटेड जो हैंडीकैप्ड होते हैं उनके लिए। नेक्स्ट है IEDC इंटीग्रेटेड एजुकेशन फॉर डिसेबल्ड चाइल्ड, इसकी लॉन्च डेट है 1974, इम्पॉर्टेंट है ये पूछा जाता है। नेक्स्ट है IDEA यानी आइडिया, इसके फुल फॉर्म है इंडिविजुअल विद डिसेबिलिटी एजुकेशन एक्ट, ये 1975 से 1990 तक रहा, ये पिछले बार पूछा गया है ये वाला क्वेश्चन तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट है यूनेस्को के फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन ऑफ एजुकेशनल साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, ये 16 नवंबर 1945 को लागू किया गया लॉन्च डेट और इसका हेडक्वार्टर पेरिस यानी फ्रांस में है। नेक्स्ट है UNDP, इसकी फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, ये 22 नवंबर 1965 को लॉन्च किया गया और इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है। नेक्स्ट है यूनिसेफ, इसकी फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रंस एमरजेंसी फंड, इसकी लॉन्च डेट है 11 दिसंबर 1986 और ये न्यूयॉर्क में इसका हेडक्वार्टर है। नेक्स्ट है UNCRC, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, पिछली बार पूछा जा चुका है, इसकी फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन राइट्स ऑफ चाइल्ड, 20 नवंबर 1989 को ये लॉन्च हुआ था। नेक्स्ट है HRD ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, 26 सितंबर 1985 को ये स्थापित हुआ है। नेक्स्ट है ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये है प्रोजेक्ट ऑफ इंटीग्रेटेड एजुकेशन फॉर डिसेबल, ये 1986 को आया था लेकिन 1987 में इसने अपना कार्य प्रारंभ किया। तो ये फ्रेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो इंक्लूसिव से रिलेटेड हैं, पूछे जा सकते हैं एग्ज़ाम में और कुछ पहले भी पूछे जा चुके हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।